मैं आप लोगों के साथ सोया चाप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है और हम इसे घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये सोया चाप का कंटेनर मैंने ऑनलाइन परचेस किया और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप भी वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया और इसमें 9 पीस सोया चाप के हैं और ये बिल्कुल इस तरह का है। अब मैंने यहाँ 3 टमाटर ले लिए हैं, 2 1 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च। टमाटर को काटकर ग्राइंडर में डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे अदरक का टुकड़ा, लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च, 10 से 12 काजू हमने भिगो के रख लिए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ 3 मीडियम साइज के प्याज मैंने कट करके ले लिए हैं। अब सोया चाप के स्टिक को हम निकाल लेंगे और इसे 3 से 4 पीस में कट कर लेंगे। मैंने सोया चाप के पीस को कट कर लिया है। इसी तरह से हम सारे सोया चाप के स्टिक को निकाल देंगे और इसे कट कर लेंगे। ये बिल्कुल इस तरह का है और इसी तरह से मैंने सारे सोया चाप को कट कर लिया है। अब तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें एक एक करके सोया चाप के पीसों को डालेंगे और तेल हमें मीडियम फ्लेम में ही रखना है। इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है वरना ये सोया चाप अंदर से तो कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे। तो हम इसे मीडियम से लो फ्लेम में फ्राई करेंगे और हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो सोया चाप गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और ये अंदर से भी पक चुके हैं तो हम इसे निकाल लेंगे और एक सोया चाप को मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, इसके सारे लेयर अलग हो रहे हैं। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैंने सोया चाप में 2 चम्मच बटर डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आप चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। अब 3 बड़े चम्मच दही मैं इसमें डाल रही हूँ और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें 4 तेज पत्ता, 2 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग डाल देंगे और इसे थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फ्राई हो चुके हैं तो हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज को डाल देंगे और इसे थोड़ी देर तक चलाएंगे और इसे तब तक चलाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। अब सबको अच्छी तरह से चला लेंगे। और
और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि मसाले अच्छी तरह से भुन जाए और इसमें से सोनी सोनी खुशबू ना आने लग जाए। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसे थोड़ी देर तक चला लेंगे जब तक कि घी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। अब हम इसमें जो मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखा था वो डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक चला लेंगे। 2 से 3 मिनट तक चलाने के बाद ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसे फिर से चलाएंगे। अभी प्याज अच्छी तरह से गले नहीं है इसीलिए हम इसे और थोड़ी देर तक ढक देंगे। और 3 से 4 मिनट के बाद प्याज अच्छी तरह से गल चुके हैं और तेल मसाले से अलग हो चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे हम थोड़ी देर तक चलाएंगे और अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किए हुए सोया चाप। और इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि इसमें से बबल्स ना आने लग जाएं। अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे और अब हम इसे फिर से चलाएंगे। इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद हम इसमें 2 हरी मिर्च डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर तक। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं। मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं और मसाले सोया चाप में एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो अब मैंने जो बर्तन में सोया चाप को मैरिनेट किया था उसी में पानी डालकर इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा चलाने के बाद आधा ग्लास पानी और डाल देंगे और इसे ढक देंगे और 7 से 8 मिनट तक ढककर छोड़ देंगे। अब ढक्कन को हटाएंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हम इसमें क्रश किया हुआ कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे चला लेंगे। अब हम यहाँ 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं, इसे भी चला लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं अब मसाले गाढ़े हो चुके हैं और सोया चाप के अंदर सारे मसाले एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो अब हम इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और ये मसाले अच्छी तरह से गाढ़े हो चुके हैं और सोया चाप बनकर तैयार है। तो हम इसे अब निकाल लेंगे
अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।